तो भाई लोग पठान ने अपने रिलीज के पहले दिन से ही हिस्ट्री बनाना शुरू कर दिया है। हाँ तुमने सही सुना, पर अब पठान यह है बॉलीवुड की हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर मूवी डे वन के हिसाब से। मतलब अब पठान बन चुकी है बॉलीवुड की हाईएस्ट ओपनिंग मूवी। और भाई ये भी तो देखो कमबैक कौन कर रहा है, शाहरुख खान। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एनालाइज करने वाले हैं, ये जानेंगे कि उसने कितना कलेक्शन किया, कितने रिकॉर्ड्स तोड़े और एक्चुअली में इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक जा सकता है। और अगर तुम्हें ऐसे ही कलेक्शन और कंपैरिजन के वीडियो देखने पसंद है मूवीज से रिलेटेड तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गुरु लोग अगर बात करें कि पठान ने डे वन पे वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन किया है, तो भाई साहब पठान ने अपने डे वन पे 106 करोड़ का स्टार्ट लिया है। हाँ पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मैंने दो बार रीचेक किया और तब जाके मैंने कंफर्म किया कि भाई हाँ इसने 106 करोड़ का स्टार्ट लिया अपने ओपनिंग डे पे। और ये अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि जहां पहले हम इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 200 से 250 करोड़ के बीच में एस्टिमेट कर रहे थे, पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने के बाद अब ये लग रहा है कि भाई मूवी और आगे तक जाएगी। कहां तक जाएगी इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी लग रहा हो कि भाई 106 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है। तो देखो भाई YRF के ऑफिशियल YouTube चैनल पे उन्होंने स्टोरी पोस्ट की थी, ये फोटो है देख लो, वही स्टोरी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तुमको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई पठान ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है 106 करोड़ का और अब वो बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बन चुकी है ओपनिंग डे पे। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना है कि मैं बार बार बॉलीवुड शब्द का यूज कर रहा हूँ, मतलब ये ओवरऑल इंडिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बॉलीवुड मूवी की बात हो रही है। और अगर ओवरऑल इंडियन सिनेमा की बात करोगे तो भाई पठान छठवें नंबर पे आती है 106 करोड़ के कलेक्शन के साथ। उसके ऊपर पांचवें नंबर पे है 2.0 और उसके ऊपर चौथे नंबर पे है प्रभास की साहू, जिसने 124 करोड़ का स्टार्ट लिया था अपने डे वन पे। एंड थर्ड नंबर पे है KGF चैप्टर 2, जिसने 167 करोड़ का स्टार्ट लिया था डे वन पे। सेकंड नंबर पे है बाहुबली 2 द कंक्लूजन, जिसने 213 करोड़ का स्टार्ट लिया था। एंड हाँ नंबर वन पे वही है जिसको तुम गेस कर रहे हो, RRR, 222 करोड़ का स्टार्ट लिया था उसने डे वन पे। वैसे RRR तो भाई ऑस्कर्स पे मचाने वाली है, खैर उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई साहब 106 करोड़ का कलेक्शन अगर बॉलीवुड में देखे तो पठान टॉप पे आ जाती है, अगर इंडियन सिनेमा की बात करें तो वही छठवें नंबर पे चली जाती है। तो चलो ये तो थी बात कि भाई पठान ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना किया डे वन पे। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई पठान का ओवरऑल इंडिया के अंदर कलेक्शन कितना था, आई मीन डोमेस्टिक कलेक्शन कितना था। तो सेफली अज्यूम कर सकते हैं अपन 62 से 67 करोड़ के बीच में था, क्योंकि दो तीन अलग अलग साइट्स ने अलग अलग अमाउंट्स डिस्क्लोज किए हैं, तो अपना सेफ्टी के लिए इतना ही अज्यूम करेंगे कि 62 से 67 करोड़ के बीच में कलेक्शन था इंडिया के अंदर पठान का। अब अगर बॉलीवुड मूवीज की बात करें तो इससे पहले ये टाइटल था अपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी के पास, जिसने ऑलमोस्ट 60 करोड़ का कलेक्शन किया था अपने स्टार्टिंग डे पे। एंड उसके बाद थी इसी YRF के स्पाई यूनिवर्स की वॉर मूवी, जिसने 53 करोड़ का कलेक्शन किया था अपने स्टार्टिंग डे पे। और इन दोनों ही मूवीज को थोड़ा सा नीचे ढकेल के पठान ने अपनी जगह बना ली है टॉप पे 62 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। भाई साहब इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पठान एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी, लेकिन अब जब ये मूवी पहुंच चुकी है तो इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो अपन लोगों ने एस्टिमेट किया था वो भी बहुत आगे तक बढ़ चुका है। अब देखो मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो जब ये मूवी मैं देखने जा रहा था मेरे को थोड़ा हाइप तो फील हो रहा था, क्योंकि भाई SRK कमबैक कर रहे थे, ऊपर से भाई ये लोग YRF यूनिवर्स को सेटअप करने वाले थे इस मूवी से, तो अपन एक्साइटेड तो बहुत थे। और यही भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये मूवी अराउंड 200 से 250 के बीच में जाएगी इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लेके। लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जो कि 106 करोड़ था, अब मेरे को लग रहा है कि भाई ये मूवी 400 से 450 या इवन बहुत ज्यादा अगर पकड़ बनाए रखती है ये थिएटर्स पे वीक 2 या वीक 3 तक, तो ये मूवी 500 तक भी जा सकती है। और हाँ ये तो सिर्फ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ डे 1 के कलेक्शन के हिसाब से, डे 2 और डे 3 का कलेक्शन जब आएगा तो अपन और स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये मूवी ऊपर जाएगी, 500 से भी ऊपर जाएगी या फिर 500 से अंदर ही बुक हो जाएगी ये मूवी। खैर जैसे ही डे 2 डे 3 और डे 4 का कलेक्शन रिवील होगा अपन उनको स्टडी करके जल्दी से एक और एनालाइज करके ऐसी ही वीडियो ला देंगे। और अगर तुम ऐसे ही वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है, पूरे नंबर वंबर से खेलने पे दिमाग की माँ बहन हो जाती है, मैथ्स तो तुम लोगों ने भी पढ़ी होगी भाई, दिमाग खराब हो जाता है मैथ्स पढ़ के। एनीवेज अगर एक सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई मोटिवेशन मिलता रहेगा तुम्हारे भाई को। और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, खासकर उन लोगों के साथ जो कि बोल रहे थे कि पठान मूवी बॉयकॉट करेंगे और पठान मूवी बैन करेंगे, पठान मूवी फ्लॉप होने वाली है, भाई थोड़ा उनकी भी तो जलाओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।